और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी जायरीन पहुंचे रुड़की रेलवे स्टेशन। सीओ तहसीलदार सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया है। 91 सदस्यों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की पहुंच चुका है। पिरान कलियर उर्स मेले में शिरकत करने के लिए जायरीन पहुंचे हुए हैं। साबरी गेस्ट हाउस में तमाम पाकिस्तानी जायरीनों के रुकने की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी जायरीन रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। सीओ तहसीलदार सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया है और 15 साल बाद जायरीनों का ये जत्था पहुंचा हुआ है उसके मेले में आने के लिए। 91 सदस्यों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचा है। उनके स्वागत के तमाम इंतजाम किए गए, उनके रहने की तमाम व्यवस्था यहां पर की गई। जोरदार स्वागत उनका रुड़की स्टेशन पर किया गया। विनीत त्यागी इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत, 15 साल के बाद ये जत्था यहां पर पहुंचा है, जाहिर तौर पर जोरदार स्वागत भी किया गया तमाम जायरीनों का। भारत आज पाकिस्तानी जो जायरीन है वो आज भारत पहुंचे हैं, और खास जिस तरह से रुड़की के पिरान कलियर में सालाना उर्स मेला चल रहा है उसमें 91 पाकिस्तानी जायरीनों ने शिरकत की। आपको बता दें कि लाहौरी एक्सप्रेस से सुबह करीबन 5:45 पर उनकी ट्रेन रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंची है, जहां पर उनका पुलिस प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया है, और उसके बाद उनको बसों द्वारा पिरान कलियर पहुंचाया गया है, जहाँ पर वो साबरी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। लगभग 4 दिन उनका यहाँ रुकने का एक कार्यक्रम है। तो पूरी तरह से पाकिस्तानी जो जायरीन है उन्होंने कहा है कि हम भारत जिस तरह से पाकिस्तान है उसमें अमन चैन की दुआएं मांगेंगे, साबिर पाक की जो दरगाह है उस पर वो चादर पोसी भी करेंगे। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जायरीन जिस तरह से भारत आए हैं और पिरान कलियर में वे सालाना जो उर्स मेला चल रहा है उसमें शिरकत करेंगे। जी, ऐसे भी किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, आपकी बातचीत हुई होगी और साथ ही साथ जायरीनों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। विनीत, जायरीनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 15 साल के बाद ये जत्था यहाँ पर पहुंचा है उर्स के मेले में शिरकत करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तानी जायरीन आज सुबह यहाँ पे पहुंचे हैं तो पुलिस प्रशासन ने पहले से ही कड़े बंदोबस्त के इंतजाम यहाँ पे किए हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान जायरीन हर साल यहाँ पे लगभग पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार 91 पाकिस्तानी जायरीन यहाँ पे पहुंचे हैं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट बना हुआ है। खुफिया विभाग LIU की टीमें पहले से ही अलर्ट बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पिरान कलियर में सालाना उर्स मेला चल रहा है उसी के मद्देनजर पाकिस्तानी जायरीन हर साल यहाँ पे मेले में पहुंचते हैं। वो अगर हम बात करें पाकिस्तानी जायरीन, तो पाकिस्तानी जायरीनों में भारत पहुंचने पर पूरा उत्साह है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत और जो पाकिस्तान है उसके संबंध हमेशा अच्छे बने रहे, और वो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान दरगाह साबिर पाक की जो दरगाह है उसमें जाएंगे और पाकिस्तान और भारत की में अमन चैन की दुआएं मांगेंगे। जी चलिए विनीत, नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।